श्री राम समर्थ अगस्त 12 परमात्मा के स्मरण से शांति प्राप्त होती है। भक्ति नौ प्रकार से की जाती है, उसे नवविधा भक्ति कहते हैं। नवविधा भक्ति में जैसे श्रवण भक्ति का पहला प्रकार है, वैसे ही अनेक संत लक्षणों में शांति पहला लक्षण है। वस्तुतः संतों के लक्षण कितने प्रकार के हैं यह कहना कठिन है, फिर भी ऐसा कहा जा सकता है कि शांति संतों का मुख्य लक्षण है। पृथ्वी यह क्षमा शांति रूप है, उसी तरह संत होते हैं। शांति में अस्थिरता निर्माण होने के लिए बाह्य परिस्थिति कारण नहीं होती, बल्कि अंतस्थिति ही कारण होती है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ अशांति होती है। भगवान से मैं अलग हूँ ऐसी द्वैत भावना जहाँ रहती है वहाँ सच्ची शांति नहीं होती। अनन्य भाव के कारण शांति प्राप्त होती है और वही परमार्थ की नींव बनती है। पैसा और कीर्ति अशाश्वत हैं, उनमें चित्त रखने से अशांति ही होती है। शांति बिगड़ने के दो कारण होते हैं, एक भूतकालीन बातों का दुख और दूसरा भविष्य की चिंता। हमारे बारे में घटने वाली भूतकाल की बातें और भविष्य की बातें दोनों वस्तुतः ईश्वर के अधीन है, और यदि यह भावना दृढ़ हुई तो अशांति निर्माण नहीं होगी, शांति बिगड़ेगी नहीं। और एक महत्व की बात है, यदि सदाचरण नहीं हो तो शांति कभी भी प्राप्त नहीं होगी। पश्चाताप करने की नौबत आएगी, यह जानकर प्रत्येक कर्म भगवान की साक्षी से करे। भगवान को साक्षी रखकर कर्म किया तो अपने हाथ से दुष्कर्म नहीं होगा। सदाचरण परमार्थ की नींव है। हमारी शांति परिस्थिति पर निर्भर न हो। कोई आदमी एक साधु को पेड़ के नीचे ले आया, वह वहाँ बैठकर नामस्मरण करता रहा। वहाँ लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। जब लोगों का वहाँ तांता लग गया तो खेत के मालिक को तकलीफ होने लगी, इसलिए उसने उस साधु को उठाकर दूसरी जगह रख दिया। साधु की शांति की स्थिति पहले स्थान पर जैसी थी वैसी ही दूसरे स्थान पर भी कायम थी। खेत के मालिक को आश्चर्य हुआ। जिसका मन शांत और चिंता रहित होता है उसे कहीं भी रखो, उसकी शांति बनी रहेगी। अतः भगवान पर विश्वास रखकर शांत रहना चाहिए, उस पर सारा बोझ डालकर गृहस्थी करे। सभी बातों का कर्ता मैं हूँ ऐसा भाव निर्माण नहीं होना चाहिए, अकर्तृत्व का भाव हो, ऐसा करने से शांति होगी। संसार का चालक राम है, यह भावना दृढ़ हुई तो शांति निर्माण होगी। संत एकनाथ महाराज जी की शांति असीम थी। एकनाथ महाराज जी की तरह शांति परम भाग्य से प्राप्त होती है। राजा महाराजा आए और गए, किंतु ज्ञानेश्वर महाराज अमर हुए, क्योंकि वे शांति की प्रतिमूर्ति थे। ऐसी शांति क्या करने से प्राप्त होती है? भगवान के नामस्मरण के सिवाय अन्य किसी भी साधन से प्राप्त नहीं होगी। जो जो घटता है वह सब भगवान की इच्छा से ही घटता है। ऐसी दृढ़ भावना होना ही शांति का लक्षण है। कर्तृत्व का अभिमान शांति के लिए बाधक होता है। विद्या, वैभव, कला, संपत्ति, संतान से शांति प्राप्त होती ही है ऐसा नहीं। निरपेक्षता शांति की जड़ है। अपनी इच्छा के विरोध में कोई बात घटते ही परमात्मा का स्मरण करे, अपने आप शांति होगी। मन की शांति की स्थिति वैसे ही कायम रखकर क्रोध किया जा सकता है। पैसा करने पर कोई अपराध नहीं होता। आज का मुख्य विचार, शांति परमात्मा के स्मरण से ही प्राप्त होती है। अखंड नाम स्मरण करके आराम से गृहस्थी करे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।